हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे बहुत ही बढ़िया मिठाई जो मुझ सिर्फ सिंपल तरीके से बनने वाली है और घर में रखी चीज़ों से आप इसे तैयार कर सकते हो और सिर्फ दो चीज़ों में आप ये पेड़ा बना के तैयार कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मूँगफली पेड़ा जो बहुत ही टेस्टी और सबसे अच्छी बात है इसे आप व्रत में भी खा सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मूँगफली का पेड़ा जो बनाना बहुत आसान, खाने में बहुत टेस्टी। इसके लिए हमने लेना है यहाँ पे मूंगफली। तो कप से हम नाप रहे हैं तो इसके हम 3 कप मूंगफली लेंगे, थोड़ा हम ज़्यादा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 कप मूंगफली मतलब हम इसमें 3 पाव मूंगफली ले लिए हैं, ठीक है। अब इसे हम कढ़ाई में डाल के और बिल्कुल कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें भूनना है। ऐसा नहीं कि मतलब हाई फ्लेम पे हमने भून लिया और इसके छिलके जल गए और अंदर मूंगफली भी जले, तो जलाना नहीं, लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है और इतना भूनना है कि मतलब छिलका इसका हट जाए, ठीक है। तो हम इसे निकाल देते हैं थाली में, जैसे ठंडा होगा तो इस तरह हाथ से मसलते हुए इसका छिलका जो है हटा देना है। इसी तरह से सारे इस तरह मसलते हुए सारे छिलकों को हटा लेंगे और मूँगफली अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो आप देख सकते हो मूँगफली साफ़ हो चुकी है। तब हम इसे डाल देंगे एक मिक्सर जार में, क्योंकि हमें इसका जो है पाउडर बना के रेडी करना है। अब मूँगफली का पाउडर हमने बना लिया है, तब हम बिल्कुल फाइन बनाया है और इसे नहीं कि मतलब एक साथ चला दीजिए, थोड़ा इसे चलाइए, बंद करिए मिक्सर, तो इस तरह से पाउडर बन जाएगा वरना ऑयल निकल जाएगा, ठीक है। इसे रखते हैं साइड में, कढ़ाई रखते हैं गैस पे। इसमें डालेंगे 1 कप भर के चीनी और 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है, बिल्कुल एक मतलब 3/3 कप पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको चीनी को बिल्कुल अच्छे से गला लेना है। मतलब चीनी अच्छे से जब पिघल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची का पाउडर और हमें 1 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है कि मतलब 1 तार की चाशनी बनानी है। तो इसे बिल्कुल चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है तब हम जा डाल देंगे इसमें मूंगफली का पाउडर और लो फ्लेम पे इसे हमने पकाना है। तो जब तक ये अच्छे से सूखा ना हो जाए, जैसे हलवा वगैरह हम बनाते हैं बिल्कुल ड्राई करना है इसे, तो इस तरह से आप कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पे करिए। और इसमें हम थोड़ा डालने हैं ना मिल्क पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर है तो डालिए। मैंने 2 चीज़ों से कहा था कि 2 चीज़ों से बन के तैयार होंगी, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लीजिए, नहीं है तो इसके बिना भी आपकी पेड़ा बन जाएगी। तो बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे अब देख पकाया है और आप देख सकते हो बिल्कुल पैन कढ़ाही को ये छोड़ रहा है, तब समझ लीजिए कि बिल्कुल ये रेडी हो गया है। मतलब इसे हम ठंडा करेंगे तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो हमने यहाँ थाली में जो ऑयल लगा दिया है अब हम इसे अच्छे से फैला देंगे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से इसे वीडियो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से फैला के हम इसे पंखे में रखेंगे और ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाए तब हम इसका प्रोसेस आगे का स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये पहले ठंडा तो हो जाए। चलिए, हमने इसे फैला दिया है थाली में ठंडा होने के लिए, अब हम इसे रखेंगे पंखे में। तो ठंडा होने पे बस हमें इस तरह से आटा के तरह बिल्कुल अच्छा डो बना के तैयार कर लेना है। अब ये जब अच्छे से डो बन जाए तब आप इसमें से सुंदर सुंदर सा ये लोई उठाइए और एक पेड़ा बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से गोल बनाइए, हल्का सा लड्डू बना के और इसे हल्का सा दबा दीजिए इस तरह से, और ये बन गया बहुत ही सुंदर सा पेड़ा। आप चाहो तो इसे सजा के रखो, चाहो तो आप ऐसे ही इसे खा सकते हो, मतलब हर मायने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इस तरह से एक एक करके सारे पेड़े हमने बना लिया है, अब हो गए हैं बिल्कुल रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी मुँह दिखाई कर देते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक